चाहिए, ये अमूल का पनीर, ये अमूल का गुजिया पनीर, ये अमूल का चीज, चीज स्लाइस है, अमूल बटर। तो आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। तो चलो शुरू करते हैं आलू टिक्की बर्गर बनाने। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, जो हमें टिक्की फ्राई करनी है तो हम स्लो गैस पर इसको गर्म करने के लिए रखते हैं। और अब हम बनाएंगे टिक्की। टिक्की बनाने के लिए हमने ये 3 बड़े साइज के आलू बॉईल करके स्मैश करके रखा है। इसमें हम लेंगे ये अमूल का भुजिया पनीर है, इसमें लेंगे हम 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर पे ही बनाया है। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मरी पाउडर, ये चाट मसाला, ये हरा धनिया, एक से दो नंग बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला हमने लिया है तो नमक हम थोड़ा इसी मुजब से लेंगे स्वाद अनुसार। ये सब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखो हमारे टिक्की का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसमें से हम थोड़ी बड़े साइज की टिक्की बनाएंगे।
अब हम टिक्की को थोड़ी सी क्रंची बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड क्रम्स में इसको मिक्स करेंगे, ऐसे ब्रेड क्रम्स से इसे कोट कर लेंगे। बाद में हम इस ये हमने मैदा और चावल काटा दोनों मिक्स करके हमने स्लरी बनाई है। स्लरी में हमने थोड़ा सा नमक लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी से ऐसी रखनी है, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, देखो ऐसा रखना है। अब हम इसमें डिप करेंगे स्लरी में। फिर से हमें ये ब्रेड क्रम्स में डिप करना है और इसके कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स से। दूसरी टिक्की को भी हम ऐसे ही सेम पोजीशन में करना है, पहले ब्रेड क्रम्स में बाद में स्लरी में। ठीक, ब्रेड क्रम्स में, इससे हमारी टिक्की क्रंची और बहुत अच्छी बनेगी। और तेल में फटेगी भी नहीं है टिक्की हमारी। अगर आप चाहते हो तो इस आलू में आप ऑनियन गार्लिक और वेजिटेबल्स में मटर गाजर ये भी आज आप यूज कर सकते हो। मैंने विदाउट वेजिटेबल्स बनाई है टिक्की। टिक्की को हमें थोड़ा सा ऐसे ब्राउन कलर आए तब तक इसको फ्राई करना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखो हमारी टिक्की रेडी हो गई है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका।
एक हमने बन लिया है, बन को हमें ऐसे कट कर लेना है। अब हम लेंगे एक नॉनस्टिक पैन, पैन को गर्म होने के बाद हम इसमें रखेंगे थोड़ा सा बटर, और इसमें हम बटर बन को ऐसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर, इस पर हम लेंगे ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है हरे धनिया से और हरी मिर्च लेके। सबसे पहले हम इस पर ये लगाएंगे हरी चटनी, इस पर हम लेंगे ये बीट, इस पर हम रखेंगे ये हमारी आलू टिक्की। और इस पर हम रखेंगे ये ऑनियन, और ये है अमूल की चीज स्लाइस। ये मैंने सॉस बनाया है, ये अमूल का ही मायोनीज और अमूल का केचप लेकर मैंने ये घर पे ही सॉस बनाया है, बर्गर सॉस। उस पर हम रखेंगे ये बर्गर सॉस। थोड़ा सा चाट मसाला, उस पर हम रखेंगे ये हमारा बन। तो देखो रेडी है हमारा ये आलू टिक्की बर्गर।
थैंक यू अमूल टीम।